श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शिवरात्रि के साथ मेरे सद्गुरु जी की बहुत प्यारी मीठी यादें जुड़ी हैं, जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसको आप सत्संग कहें या जो भी आपकी मर्जी। हमारे महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी एक समय में शिवरात्रि ले लोग कावड़ लेकर आते हैं, उन दिनों की बात है। तो कावड़ शिवरात्रि से कुछ दिन पहले की बात है, शायद ये फेब और मार्च के बीच की वो दिन रहे होंगे। तो हमारे महाप्रभु एक बागीचे में कहीं पार्क में सैर के लिए सुबह गए, तो देखा कि लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं और उनमें से एक कावड़ वाला जो है वो सामने से ऐसे निकल रहे हैं। तो गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा और बहुत मतलब जैसे प्यार से मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी से पूछा, जो साथ में थे उनसे पूछा कि ये लोग कौन हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने विनती की कि प्रभु ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, और गुरुदेव ने फरमाया कि क्या इन्हें बुला सकते हैं। बुलाया उनको तो एक कावड़ वाला अंदर आया पार्क में। सद्गुरुदेव भगवान सामने जो है एक बेंच पर विराजमान है, बैठे हैं, और वो कावड़ वाला प्रभु के चरणों में आया। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि ये क्या लेकर आ रहे हो। उसने कहा कि प्रभु मैं ये गुरुदेव का रूप उसने देखा, मन में भोले बाबा की मूरत उन्होंने बसाई हुई थी, और सारा रास्ता वो लोग कावड़ जब लेने जाते हैं और लेकर आते हैं तो सारे रास्ते वो भगवान शिव की आराधना करते हुए, उनका नाम जाप करते हुए, उनके रूप का ध्यान करते हुए जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनके मन में भगवान शिव की मूरत बसी होती है, तो उसी भाव में वो पर्सन जो थे, वो जो साधक थे, तो गुरुदेव ने उनसे बात की। तो उनसे पूछा कि ये क्या लेकर जा रहे हो, और उसने कहा कि मैं हर साल ऐसे लेकर आता हूँ, कावड़ लेकर आता हूँ। तो ये गंगा नदी का पवित्र जल है जो मैं हरिद्वार से लेकर आता हूँ, और पैदल वहाँ से आना होता है, और मुझे इसमें कई दिन लग जाते हैं। उसने कहा कि टोटल ये लगभग एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, और हफ्ते भर में पैदल चलता हूँ, वहाँ से आता हूँ अपने गांव, अपने शहर की तरफ आता हूँ, और फिर मैं जाकर इस जल से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनको ये जल अर्पण करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गुरुदेव ने बड़ा मुस्कुराए, प्रभु ने पूछा कि इतने समय से तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी भगवान शिव के दर्शन हुए? अब उसने सुना, मन में प्रेम भाव आया, उसने कहा कि प्रभु अब तक तो नहीं हुए, ऐसे दर्शन तो कभी नहीं हुए। और प्रभु के रूप को, गुरुदेव के सुंदर रूप को देखकर उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई, और उसने मन ही मन जो है गुरुदेव को के रूप को निहारा, देखा, और उनके भौतिक रूप से उनके चरण कमलों में, जैसे गुरुदेव विराजमान थे बेंच पर और उनके चरण नीचे थे, तो उसने उनके चरणों में कावड़ साथ में रख दी और उनके चरणों में प्रणाम किया, माथा टेका। जब माथा उठाया तो क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान शिव अपने सुंदर नील वर्णधारी रूप में सामने विराजमान है। आंखें मली, देखते हैं प्रभु आप किस रूप में, ये कैसे विराजमान है। हमको बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद मिला। फिर आंखें मली, भगवान के सुंदर दीदार किए भगवान शिव के, और इतना प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अरे इतने समय से मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, भगवान आज तक तो कभी दर्शन भौतिक रूप से नहीं मिले, दर्शन तो नहीं हुए। हाँ, मेरी मुरादें पूरी हो जाया करती थी, इच्छाएं पूरी हो जाती थी, लेकिन आज मैं भगवान शिव को साक्षात जो है गुरुदेव के रूप में देख रहा हूँ। इतना मन में भाव आया कि वो जो जल लेकर आया था कांवड़ का, उस जल से उसने उसी समय में गुरुदेव के चरण कमलों जो जो
और वो जल अर्पण किया, कहा कि मेरी तो महाशिवरात्रि आज के दिन हो गई, मैंने सदगुरु के चरण कमलों में जल ने छावर किया, मेरी महाशिवरात्रि हो गई। इस घटना को कहने का तात्पर्य ये है कि सदगुरु परब्रह्म परमात्मा है और वो सब रूपों में विराजमान है। वो ये सभी देवी देवता जो हैं, ये मेरे प्रभु के ही रूप हैं। मैं कई बार ये बात मुंह से गुरु महाराज जी निकलवाते हैं सत्संग के दौरान कि सतगुरु वन इन ऑल हैं एंड ऑल इन वन हैं। सबको मिलाकर अगर एक बना दिया जाए, सभी देवी देवताओं को मिलाकर सबसे अगर सबको एक बना दिया जाए, एक रूप बना दिया जाए, तो वो मेरे गुरुदेव हैं। और मेरे गुरुदेव ही इन सभी देवी देवताओं के रूप में अलग अलग विद्यमान हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहूं कि मिठाइयां बहुत सारी हैं, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, बर्फी है, या बहुत सारी और मिठाइयां के नाम कोई भी आप गिन लो, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है कि वह सब मीठी हैं। तो वो जो मिठास है, वो जो एसेंस है उनकी, वो हमारे सदगुरु हैं। हमें उस परम तत्व के साथ जुड़ना है और उस परम तत्व के साथ जुड़ने का जो सुंदर साधन है वो अजपा नाम, जो सिमरन उन्होंने दिया है वो है। इस अजपा का हम जितना प्यार से अंदर से जाप करें तो अपने ही भीतर का शिवत्व प्रकट होने लगता है। तो अंदर का जो हमारे अंदर मनुष्य का भाव है, हमारे अंदर जो लिमिटेशंस हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो दूर होने लगती हैं। लगातार अजपा जाप करने से वो कमियां दूर होने लगती हैं और अंदर का शिवत्व प्रकट होने लगता है। किसी संत जी ने अपने सुंदर शब्दों में लिखा है, उन्होंने कहा कि सतगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार, जिन मानुष ते देवते किए और करत न लागी बार। मैं अपने सदगुरु को सजदा करता हूँ, घड़ी में सौ सौ बार सजदा करता हूँ, क्यों? फिर उन्होंने कहा कि जिन मानुष ते देवते किए और करत न लागी बार। उन्होंने मुझे इंसान से देवता बना दिया है। जिस शिवत्व को मैं बाहर ढूंढता था वो सच्चित आनंद रूप गुरुदेव ने मुझे अपने भीतर दिखा दिया है, इसलिए मैं अपने सदगुरु को नमन करता हूँ। इसलिए हर चीज से पहले मैं अपने सदगुरु को पहले, हर बात से पहले मैं अपने गुरुदेव को पहले रखता हूँ, उसके बाद कोई भी चीज चलेगी। मेरे प्रभु ने कितनी ही बार जो है प्यारे दर्शन देते हैं, तो गुरुदेव दर्शन जब देते हैं तो भगवान शिव की ऊर्जा जो है पास में कई बार महसूस होती है। एक बार कहीं किसी पर्सन की हीलिंग कर रहे थे, मैं हीलिंग कर रहा था, सिर्फ मुझसे करवा रहे थे, तो उस दौरान मैंने जब अपने सदगुरु को इनवाइट किया, गुरुदेव खुद तो आए, साथ में भगवान शिव को भी लेकर आए, क्योंकि उस पर्सन के जो आराध्य थे वो भगवान शिव थे, तो दोनों एक साथ आए, मेरे आराध्य मेरे सदगुरु और उस पर्सन के आराध्य भगवान शिव, तो दोनों ने एक साथ दर्शन दिए। तब जो है ये बात और सुंदर और प्यारे ढंग से मेरे सामने रिवील हुई कि प्रभु एक होते हुए भी अनेक रूप में है और अनेक होते हुए वो एक है, ये मुझे अंदर से पूरा एहसास है। फिर ऐसा कई बार हुआ, एक बार मैंने किसी पर्सन के साथ हम काउंसलिंग कर रहे थे, उनके साथ कुछ उनकी हीलिंग भी की और कुछ काउंसलिंग की, कुछ मेडिटेशन करवा रहे थे, तब गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु इन पर कृपा करें, तो गुरुदेव ने माँ भगवती के रूप में दर्शन को साथ लेकर दर्शन दिए, मतलब खुद आए, अपने सुंदर रूप को दिखाया, दर्शन दिए, साथ में माँ भगवती की वो को साथ लेकर आए, क्योंकि उनकी समस्या का जो समाधान था वो माँ भगवती से जुड़ा हुआ था। मतलब वो ना एक्चुअली क्या थे, वो कोई समस्या जो थी वो माँ से जुड़ी हुई थी, कोई ऐसी समस्या थी जो वो जो उनको करनी थी चाहिए थी, जिनकी आराधना करनी चाहिए थी। तो गुरुदेव ने हमें, मतलब ये हमेशा ये दिखाया है कि हम
सब हमारे ही रूप हैं, उसके बावजूद भी हम सबसे अलग हैं। जैसे मिठाइयां सबसे मिठास जो है सबके भीतर होते हुए भी आप सबको कह सकते हो कि रसगुल्ला भी मीठा है, बर्फी भी मीठी है, गुलाब जामुन भी मीठा है, गाजर का हलवा भी मीठा है, मिठास सबके अंदर है। फिर भी मिठास सबसे उन मिठाई मिठास अपने आप में मिठाई नहीं है, ठीक है, ये इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन के साथ बहुत सारी प्यारी मीठी यादें जुड़ी हैं गुरुदेव की, और इस दिन में कुछ खास चीज पीछे मुझे रिवील हुई, मुझे समझ में आई कि कुछ खास ब्लेसिंग होती है जो महाशिवरात्रि के दिन ऊपर से नक्षत्रों की, ग्रहों की जो कंडीशन होती है उस कारण से एक विशेष ऊर्जा इस धरती पर आती है। तो आप चाहें तो उसका उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा मतलब जैसे सिमरन ज्यादा करें। जैसे नॉर्मली हम 3 से 6 के बीच में 1-1.5 घंटा तो हम बैठते हैं, कम से कम 1 घंटा तो गुरुदेव का आदेश है कि हमें बैठना ही बैठना है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा और भी ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम बैठ जाएं जिस दिन कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, और जिन देवी देवताओं से वो जुड़ा हुआ है गुरुदेव को उनके रूप में भी नमन कर लें। नमन तो अपने मालिक को ही करना है, लेकिन उनके रूप में भी हम नमस्कार करते हैं, इससे उनको उनकी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा हमें नसीब होती है, और हम जो है अपने भीतर लोगों से हम जुड़ा हुआ फील करते हैं। क्योंकि अगर हम इस त्योहार पे बिल्कुल कुछ भी सेलिब्रेट न करें तो फिर थोड़ा सा ये लगता है कि हम ओल्ड हैं, बिल्कुल दुनिया से अलग हैं। ऐसा नहीं है, हम दुनिया के साथ हैं, सबके साथ हैं। मेरे गुरुदेव जो हैं वो इसलिए हमारे सभी त्योहारों का हम आदर करें, सब रूपों में गुरुदेव को विराजमान करते हुए ये जानते हैं कि सब एक ही तत्व समाया है सभी के भीतर, एक ही तत्व, वो जो परम चैतन्य है। भगवान शिव भी अगर कहें तो सत्चित आनंद रूप है, सत है सदा है, सदा रहेंगे, चित है चैतन्य है, शिव का मतलब ही चैतन्य होता है। तो उनके साथ जुड़कर हमारे अंदर का शिवत्व प्रकट होने लगे, और आनंद तो है ही, इसलिए सच्चित आनंद रूप श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमन करते हैं। महाशिवरात्रि के त्योहार पर भी इसी प्रकार ये वंदन चलेगा, और आगे भी हर रूप में, हर बात में अपने प्यारे सदगुरु के ही दर्शन हम दीदार करेंगे और खूब आनंद मनाते हैं। असल में तो हर दिन त्योहार है, फर्क तो कभी भी नहीं है, हर दिन वही आनंद बरस रहा है। जिस दिन अपने दिल में गुरुदेव की सुंदर मूरत बसी है, उनका आनंद, उनका जपा, उनका सिमरन चल रहा है, तो आनंद तो है ही। फिर भी किसी खास दिन चले थोड़ा सा और अच्छा लगता है, किसी खास ढंग से मनाने में आनंद आता है, तो इस पे सेलिब्रेट करेंगे। बोलिए जयकारा, बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय।